इसलिए मैंने कहा परमेश्वर की योजना को पहचानना जरूरी है और शैतान की योजना को पहचानना भी जरूरी है। मैं मसीह में आया, सताव शुरू हो गया। सबसे पहला सताव घर वालों का, रिश्तेदारों का। सब दोस्त दारू पीने वाले थे, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला, कोई संसारिक। 99% दोस्त छूट गए। छूट के मतलब छोड़ने पड़े मेरे को। अब दोस्त है नहीं, घर वाले पहले नहीं पूछते, रिश्तेदार खिलाफ हो गए, तो बचा कौन? कोई नहीं। इसीलिए जब कोई नहीं बचा तो मेरे पास एक ही चारा था कि मैं अपने प्रेयर रूम में जाऊं और जो बचा है उससे बात करूं रोज। मेरे रिश्तेदार ने बोला आ इधर, तेनू स्वाद आ पता है, आ देख मेरा ये फलानी किताब देख, मेरी धार्मिक पढ़ इसमें। कौन है परमेश्वर? तेरे पास्टर को कोट पाई ना जदों ओदी फेंटी चढ़ांगे सी, पर तेनू वापस लेके आवा, तू पछता के वापस आएगा एक दिन। ऐसे तीखी बातें आप इमेजिन नहीं करोगे। मैं जो कह रहा हूं ना, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। हर 7 दिन बाद उसी का मैसेज आता है, मैं मिलना चाहता हूं। एवरी 7 डेज, क्योंकि मुझे कोई मुसीबत है और तू उससे छुड़ा सकते हैं। और आज से 16 साल पहले, 17 साल पहले उसकी निगाह में मैं बेवकूफ था। इमेजिन करो, अगर मैं झुक जाता तो आज इतना कुछ ना देख पाता। क्योंकि शैतान देखते हैं, वो रोशनी देख सकता है, वो ब्लेसिंग देख सकता है, वो योजना देख सकता है। उसे मालूम है कुछ खुदावन तुम्हारी जिंदगी में करेगा। तुम एक स्टार हो, तुम एक हीरो हो, हीरोइन हो। इसलिए वो क्या चाहता है, या तो पाप में गिराए, या विरोध से डरा दे, धमका के बिठा दे। कोई झटका बड़ा लग गया, बंदा कहां जी, चर्च मिला ही नहीं जी, क्या हो गया था, उसकी बेटी को कुछ हो गया जी, चर्च ही नहीं आया। क्योंकि शैतान को मालूम है तुम्हारी कमी क्या, कमजोरी क्या, कहां से तुम्हें पकड़ेगा और तुम बैठ जाओगे। इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर, इस आसमान के नीचे अपनी एक भी कमजोरी मत रखना, नहीं तो शैतान उसी को पकड़ लेगा। कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, कोई फियर नहीं होना चाहिए। यह मिनिस्ट्री भी मेरा फियर नहीं। आप जानते हैं कि मैं खुल के बोलूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए चर्च पे, कुछ अटैक ना हो जाए, लोग ना चले। अरे कोई फियर नहीं मेरे को, खुदाबंद रहना चाहिए हमारे साथ। और चर्च आप देखते हो कि थर्सडे भी अब संडे बनने लग गया, और अभी तो शुरुआत है। ये तो एक कमरा है छोटा सा मेरे लिए, अभी तो हॉल बनने किलोमीटर्स में। हाँ हाँ,